नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, महिलाएं रात के समय अपने ये अंग खुला रखकर ना सोएं। दोस्तों, हिंदू पुराणों और ग्रंथों में हमारे जीवन से जुड़े कई सारे रहस्य और सत्य उजागर किए जाते हैं। हमें अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचार विचार का प्रदान करना चाहिए, हमारे रीति रिवाज, धर्म और इसके अलावा हमारे ईश्वर से जुड़े कई सारे नियम भी एक संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए लागू किए गए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी दिनचर्या में दिन का भोजन और रात का भोजन विपरीत होता है, ठीक उसी तरह हमारी दिनचर्या के काम भी कुछ इसी तरह विभाजन किए गए हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो रात को करना वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि इन कामों को करने से आपके जीवन पर बुरा अथवा भयानक परिणाम पड़ सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज की जीवन शैली को देखा जाए तो लोग ज्यादातर खासकर बड़े शहरों में नाइट लाइफ को ज्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं। उन्हें रात को बाहर घूमना, दोस्तों से मिलना, इन चीजों का शौक ज्यादा रहता है। इसीलिए हम सभी के लिए ऐसी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है जो हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार ऐसे कौन से काम हैं जो हमें रात के समय नहीं करना चाहिए, और वो कौन सा अंग है जो महिलाओं को रात के समय खुला छोड़कर नहीं सोना चाहिए। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर एक है, रात के समय चौराहों के रास्ते नहीं जाना चाहिए। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि चौराहे पर ही काले कर्म कांड, बुरी नजर उतारकर फेंकना और टोटके जैसी चीजें सदियों से की जाती हैं। इसीलिए रात के समय आपको चौराहे वाले रास्ते या जहां पर दिशाएं एक साथ मिलती हो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, चाहे दूसरा रास्ता लंबा ही क्यों ना हो, किंतु चौराहा लांघ कर ना जाए तो ही बेहतर है। रात के वक्त अंधेरे में हो सकता है कि आप अनजाने में किसी ऐसी चीज को छू ले या आपका उस पर पैर चला जाए, इसीलिए बेहतर है कि आप ऐसे रास्ते से ना जाएं। और मित्रों, नंबर दो है, दोस्तों शमशान के पास ना जाएं। रात के वक्त नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी को भी बस में कर सकती हैं। कई बार देखा गया है कि कई सारे लोग बहादुरी दिखाने के लिए शमशान में चले जाते हैं, किंतु आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। शास्त्रों में रात के 12 बजे के बाद शमशान में जाना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। इससे आपकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और मित्रों, नंबर तीन है, दोस्तों रात के समय महिलाएं अपने बालों को खुला रखकर ना सोएं। रात को सोते वक्त महिलाओं को हमेशा बाल बांध कर सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात को बालों को खोलकर सोने से नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होती है। हो सके तो बालों को संध्या काल में बांध कर ही रखना चाहिए। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो बस यही तक था। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।